गाइस क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे चोर रेलवे के पंखे को चुराने के बारे में अब नहीं सोचते। गाइस अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं रेलवे द्वारा इस्तेमाल की गई तरकीब जिससे कि चोर चाहकर भी पंखे को नहीं चुरा सकते। गाइस भारत में हर रोज ना जाने कितने लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। भारत देश में बहुत से लोगों के लिए ये तो किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। गाइस आज के समय में ट्रेन के जरिए बहुत दूर दूर तक के सफर भी आराम से किए जा सकते हैं। गाइस यहां तक कि आजकल ट्रेनों में सफर करना इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसके तहत आपको एसी कोच में सीट, खाना और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं आराम से मिल जाती हैं। गाइस हालांकि पहले ऐसा नहीं था, इंडियन रेलवे की हालत बेहद ख़राब थी। यहां तक कि शायद आपने सुना भी होगा कि पहले के समय में ट्रेन में बहुत सी चोरी हुआ करती थी। चोरी में ट्रेन के पंखे, बल्ब, टॉयलेट में लगे जग आदि बहुत सी चीज़ें चुरा कर ले जाते थे। गाइस लेकिन अब चोरी के मामले में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, क्योंकि अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसे लंबे समय तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। गाइस शायद आप जानते हो कि पहले के समय में ट्रेनों में पंखे चोरी होना काफ़ी आम बात थी। गाइस इस समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इससे निपटने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाल ली है जिसके बाद चोर चाहकर भी ट्रेन के पंखे को चुरा नहीं सकते। गाइस क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सी तरीका है जिससे चोर रेलवे के पंखे को चुराने के बारे में अब नहीं सोचते। गाइस अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं रेलवे द्वारा इस्तेमाल की गई तरकीब के बारे में। गाइस भारतीय रेलवे ने पंखे की चोरी के बढ़ते मामले को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद इंजीनियर्स ने ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले पंखे को कुछ इस तरह डिजाइन किया कि उन्हें आम घरों में इस्तेमाल ना किया जा सके। गाइस बता दें कि इन पंखों का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेन में ही किया जा सकता है और आप पैसेंजर बोगी में ही इसकी हवा ले सकते हैं। गाइस जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई इन्हें चोरी करके बाहर इस्तेमाल करना चाहता है तो ये संभव नहीं है। गाइस हालांकि अब ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह के बारे में। गाइस कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ट्रेन के बाहर ये पंखा सिर्फ एक कबाड़ा के बराबर है। गाइस दरअसल घरों में दो तरह की बिजली का इस्तेमाल होता है, पहली एसी यानी अल्टरनेट करंट और दूसरी डीसी यानी डायरेक्ट करंट। गाइस अगर घरों में अल्टरनेट करंट वाली बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस समय अधिकतम पावर 220 वोल्ट होगी। गाइस वहीं अगर घरों में डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी पावर मात्र 5, 12 या 24 वोल्ट ही होगी। गाइस वहीं ट्रेनों में लगने वाले पंखे को 110 वोल्ट का बनाया जाता है जो सिर्फ डीसी से चलता है। गाइस घरों में इस्तेमाल होने वाली डीसी बिजली 5, 12 या 24 वोल्ट से ज्यादा की नहीं होती। गाइस इसलिए आप चाहे कर भी इन पंखों को अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाइस साथ ही बता दें कि अगर कोई भी इन पंखों को ट्रेन से चुराता है तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गाइस यहां तक कि ऐसे मामले में जल्दी जमानत भी नहीं होती। गाइस आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।